दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और आरओएआरओ और भी जो आपके एग्जाम है जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, सबके लिए प्रैक्टिस सेट, फ्री प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 10 है, 10 है, इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको सिर्फ ये करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करते रहना है और हमें सपोर्ट करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहिएगा, फिर आप मिलाइएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन, यानी कि इस सेट में से कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी लाओ वाक्य में विशेष से क्या है, विशेष से आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 1 किलो चीनी लाओ में विशेष से क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, चीनी। विशेष से आप लोग जानते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम जो होता है, संज्ञा होता है या सर्वनाम जो होता है, उस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है। तो यहाँ पे चीनी जो है वो विशेष से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, कुसुम बहुत तेज चलती है, इस वाक्य में आपको बताना है कि बहुत क्या है। कुसुम बहुत तेज चलती है में बहुत क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिया की विशेषता बताने वाली जो होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत जो है वो क्रिया की विशेषता बता रही है, चलती जो है, मतलब जो भी कुसुम है वो बहुत तेज चलती है, तो बहुत जो है वो क्रिया की विशेषता बता रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि बलशाली है, बलशाली मतलब बलशाली क्या है। ऑप्शन में से आपको बताना है, छांटना है आपको कि बलशाली क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रत्यय से विशेषण की रचना। देखिए, बल में जब पीछे जब साली लग गया है, तोड़ेंगे आप बलशाली को तब बल प्लस साली आएगा, तो बल से बनी जो विशेषण की रचना है तो उसको बलशाली बोलेंगे। तब प्रत्यय लगाया गया है, पीछे प्रत्यय लगाया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि निम्न में से विशेषण कौन सा है, आपको विशेषण का चयन करना है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा विशेषण में ये ए जो है वो उदरस्थ जो लिखा हुआ है वो एक विशेषण है, जबकि जो उत्कंठा, उपासना, उत्साह, ये सब जो है विशेषण नहीं है। देखिए, उत्कंठा का जो हो जाएगा उत्कंठित हो जाएगा, उपासना का हो जाएगा उपासक, और उत्साह का उत्साही हो जाएगा। तो ये सब रहेगा तब तो विशेषण रहेगा, जबकि यहाँ पे उपासना दिया है, उत्साह दिया है, उत्कंठा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उदरस्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भला बालक है मदद कर दीजिए, भला बालक है मदद कर दीजिए में जो भला है वो क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण है भला। देखिए, जो उद्देश्य विशेषण होता है वो विशेष से पहले प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, विशेष से आपका जो बालक है उससे पहले भला उपयोग हुआ है, तो भला पूछा है तो भला उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशेषण के आधार पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है उसको आपको बताना है विशेषण के आधार पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उन छोटे बालकों को बुलाइए। देखिए, और सब भी आपको सेंटेंस ही पढ़ के लग रहा होगा, वाक्य ही पढ़ के आपको लग रहा होगा कि सब गलत है, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, उन छोटे बालकों को बुलाइए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
कजरारे बादलों वाला दिन था, कजरारे बादलों वाला दिन था, में वाक्य में जो है विशेष से आपको बताना है कि विशेष से कौन सा है। तो देखिए बहुत ही आसान है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिसकी बारे में विशेषता बताई जाएगी वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो यहाँ पे जो बादलों की बात की जा रही है तो यहाँ पे बादल जो है यानी कि बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो विशेष्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से आपको क्या बताना है, गलत विशेषण प्रयुक्त किसमें हुआ है उसको आपको बताना है, उस ऑप्शन को आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है किस सेंटेंस में यानी कि किस वाक्य में। तो देखिए यहां पे आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर होगा 4 यानी कि डी जो होगा वो इसका आंसर होगा, उनका छोटे प्रेम बच्चे पर उमड़ता है। देखिए ये कुछ सेंटेंस आपको अटपटा सा लग रहा होगा, बाकी सब आपके सही हैं तो इसमें कुछ ऐसा बताने लायक भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उनका प्रेम छोटे बच्चे पर उमड़ता है ऐसा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया है उनका छोटे प्रेम बच्चे पर उमड़ता है, तो यहाँ पे डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह लड़का मेरा भाई है, वाक्य में वह क्या है, वह क्या है उसको आपको बताना है। तो देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनामिक विशेषण इसलिए होगा, मैंने पहले पिछले सेट में आपको बताया था कि जो आपका संज्ञा दिया रहता है उससे पहले, संज्ञा या सर्वनाम दिया रहता है उससे पहले जो यूज हो जाता है सर्वनाम, तो वहाँ पे वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो वह यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा, वह आम पीला है या पक्का है कुछ ऐसे करके देगा, तो वह यहाँ पे फिर आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ऐसे अगर आपको दे देता है कि वह आम या वह लड़का या कुछ भी संज्ञा उसके बाद दे देता है तो वो जो सर्वनाम रहेगा वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4.5 शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, 4.5 जो है वो किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो बहुत ही आसान है, 5.5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपूर्ण है, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, देखिए अपूर्ण संख्यावाचक का विशेषण का आपको ऐसे ही देखने में बोध हो रहा होगा, इसमें अगर 1.5, 1.5, 1.5, ये सब जो आता है इसको आप अपूर्ण मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है आगे भी तो आप इसको अपूर्ण मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका तद्भव तत्सम से आएगा, तो मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि तत्सम मतलब आप समझिएगा संस्कृत वाला और तद्भव मतलब समझिएगा कि हिंदी वाला। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी जो है वो कई भाषाओं को अडॉप्ट कर चुकी है, चाहे उर्दू हो, उर्दू के कई चीज़ों को, इंग्लिश के कई चीज़ों को, विदेशी जो भाषाएं हैं इनको, संस्कृत से ही बनी है लेकिन बहुत सारे विदेशी भाषाएं बहुत सारे चीज़ों को वो अडॉप्ट कर चुकी है। तो जो देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे हिंदी तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत वाला वर्ड होता है, जबकि तद्भव जो होता है संस्कृत को हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अलग जो नाम दे दिया है उसको हम तद्भव में लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका मिलेगा घोटक का तद्भव रूप क्या है, घोटक जो है उसका तद्भव रूप क्या होगा यानी कि हिंदी वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घोड़ा जो है वो तद्भव रूप है, तत्सम रूप पूछता है तो यहाँ पे घोटक हो जाएगा। ठीक है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है। तो अग्नि जो है वो तत्सम है, अगर तद्भव पूछ देता है तो आपका आग जो है वो अग्नि से बना है तो आग तद्भव में आ जाएगा, यहाँ पे अग्नि पूछा है तो तत्सम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कंदुक शब्द है, मतलब कौन सा शब्द है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्सम है कंदुक। ठीक है, कंदुक जो है वो संस्कृत वर्ड है। देखिए जिन लोगों को पता है कंदुक मिस होता क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा, कंदुक मिस होता क्या है, खेलने से संबंधित है वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौरव का तत्सम शब्द आपको बताना है। गौरव का तत्सम यानी कि संस्कृत वाला हो जाएगा गवाक्ष, यानी कि बी जो है वो आंसर सही है, गवाक्ष जो है वो गौरव का तत्सम रूप है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नींबू का तत्सम शब्द आपको बताना है। नींबू जो है वो तद्भव है, तत्सम आपको बताना है कि कौन सा होगा, यानी संस्कृत वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, नींबुक। नीबुक जो है वो नीबू का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा, यानी कि कंधा का तत्सम यानी संस्कृत वाला वर्ड कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कंद जो है वो बी में जो लिखा हुआ है वो सही है, तत्सम रूप कंधा का। केला का तत्सम रूप आपको बताना है कि क्या बोलते हैं केला को, संस्कृत वाला वर्ड तत्सम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कदकली जो है वो केला का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा देशज शब्द है। देशज मतलब क्या होता है कि जो अपने देश में, देखिए संस्कृत से जो लिए रहेंगे वो तत्सम रहेंगे, तद्भव हमने उसके कुछ चेंज करके कर दिया रहेगा तो वो तद्भव हो जाएगा। देशज क्या होता है, अपने देश के कुछ और भाषाओं से मिलकर बनी रहती है, या जो ठेठ भाषाएं हैं उनमें से लिया गया रहता है, तो उसको देशज में रखते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से देशज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, गोड़ जो है वो देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि साड़ी का तत्सम शब्द होगा क्या होगा, साड़ी का तत्सम शब्द। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, साटिका। साड़ी को बोलते हैं, यानी कि तत्सम जो रूप है उसका साटिका। ठीक है, साड़ी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द है, मतलब कौन सा शब्द है, तद्भव है तत्सम है, जो आपके ऑप्शन दिए उनमें से आपको बताना है। तो चिड़िया जो है वो है देशज, देशज है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ये 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपको हमारा ये सेट कैसा लग रहा है। आपके कुछ भी सुझाव हो, सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, और बगल में एक बेल आइकन है, दोनों का प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।